सरनाइक, मैं फिर कहता हूँ, मैं उस कंपनी के बिहाफ पे आधी मूछ काट के घूमूंगा अगर कॉर्पोरेशन को अगर रोड नहीं दिया तो आज के आज कंपनी तैयार है, लेकिन या फिर सरनाइक आधी मूछ काटे और घूमे के कॉर्पोरेशन नहीं ले रही है तो इतना मर्दों वाली बात कर रहा हूँ। समाज को बिलोंग करती है वो प्रभु, जैन समाज में उनके जैन कुल में उनका जन्म हुआ है और भगवान महावीर को सभी जैन मानते, किसी भी सांप्रदाय को। भगवान महावीर भाईंदर वेस्ट में 60 फीट और उनके ऊपर हाई मास्क लगाया भगवान महावीर के ऊपर, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार के, तो भगवान महावीर को इन्होंने नहीं छोड़ा है तो बाकी को क्या छोड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी से यह भी बात कीजिएगा, सोनम बिल्डर ने संडास की जगह भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खा गई। अरे पोल क्या खुलना, जो पोल लगे ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितना हाईमास्ट पोल लगाए ना आपने वो 13 लाख में लगाए और उसकी कीमत उसी कंपनी से, उसी कंपनी का कोटेशन, वही ब्रांड, 5,90,000 है। 40-40 नहीं, 60-60% नहीं, 70% आपने भ्रष्टाचार किया। नमस्कार दोस्तों, कल दोनों विधायक प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने जिस तरीके से 7-11 के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, आज उसका खुलासा करते हुए नरेंद्र मेहता ने विधायक गीता जैन के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। साथ ही प्रताप सरनाइक को भी स्वार्थी बताते हुए कहा कि उन्होंने मनपा के 70 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने निजी प्लॉट के लिए करवा रहे हैं, और साथ ही गीता जैन को ये भी चेतावनी दी कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, अब आपने छेड़ दिया है, आगे आगे देखिए होता क्या है। खास बात तो ये है कि गीता जैन ने भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, जो हाई मास्क लाइट लगा है उसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनके पास कोटेशन है मात्र 5 लाख का। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस तरीके का दावा नरेंद्र मेहता ने किया है। वहीं पर गीता जैन के पति यानी सोनम बिल्डर का भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एसटीपी प्लांट को उन्होंने रातों रात मनपा के पाइपलाइन से जोड़ दिया है, इस तरीके की बात नरेंद्र मेहता ने की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात तो ये थी कि विधायक प्रताप सरनाइक को चैलेंज किया है कि जिस तरीके से वहाँ काम चल रहा है वो सही तरीके से है और मनपा ने NOC लेके कामकाज कर रही है, तो उन्होंने दावा किया है कि या तो प्रताप सरनाइक आधे मूछे काटे या फिर मैं काटूंगा अगर मैं गलत हूँ तो। नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि जब भी वो इस तरीके के आंदोलन कर जनहित आंदोलन करते हैं तो ये दोनों यानी गीता जैन और प्रताप सरनाइक बहन भाई बन जाते हैं, जबकि ये मात्र रक्षाबंधन वाले दिन के एक दिन के भाई बहन है। कल विधायक प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने दावा किया था कि 7-11 कंपनी ने जो बांधकाम जो जिस तरीके का काम रोका है उसकी शिकायत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से करेंगे, तो वहीं पर नरेंद्र मेहता ने ये भी कहा कि आप जरूर ये बताइए कि सोनम बिल्डर ने किस तरीके से STP प्लांट में धांधली करते हुए नगर पालिका के पाइपलाइन में कनेक्शन ज्वाइंट किया। सोनम बिल्डर द्वारा बनाए गए जितने भी बिल्डिंग है उसके ULC के फ्लैट आज भी भाड़े से दिए गए हैं। जो मर्डर हुआ था, अब बहुत बड़े हत्या हुआ था, जो कुकर कांड हुआ था वो भी उनके ही फ्लैट में हुआ था जो कि ULC का फ्लैट था। इस तरीके से साथ ही गीता जैन ने सफाई कर्मियों के ज़मीन पे सफाई कर्मियों को मकान बनाने की बात भी की थी, उसका क्या हुआ। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से मीरा भाईंदर शहर में हाई मास्क लाइट लगे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार गीता जैन ने किया है, तरीके की बात नरेंद्र मेहता ने की है। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। मैंने वापस कहा है मैं शहर की राजनीति कर रहा हूँ, जनहित की राजनीति करता हूँ। मुद्दे तो इस शहर में हर व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन किसके व्यक्तिगत होंगे पर्सनल, मैं इसमें जाता नहीं, एक समझ के चलिए। चुनाव को चुनाव की तरह लड़ता हूँ, राजनीति को राजनीति की तरह करता हूँ, समाज को समाज सेवा की तरफ करता हूँ। किसी के अंदर की जो आपने जो पहले कहा रोड आपको याद नहीं होगा, तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहला रोड आया था 15 करोड़ का कॉरपोरेशन बॉडी ने बनाया, उधर जरूरत क्या किसकी, हमने बोला वो पैसा अच्छे पंचाल का सीमेंट रोड बना खराब किया था, सरकार ने वो कैंसिल किया, उसका व्यक्तिगत मंजूर किया। अभी ये जो पैसा आप बोल रहे हो ये सरकार से उन्होंने मंजूर करके लाया, इस कॉरपोरेशन से नहीं दिया है। उस जो अभी 54 करोड़ का ब्रिज है वो सरकार से मंजूर करके उन्होंने लाया, हमने नहीं दिया है आपकी जानकारी के लिए कॉरपोरेशन, लेकिन कॉरपोरेशन के हद में आ रहे इसलिए कॉरपोरेशन नाम दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि जब आदमी की क्रिटिसाइज हो जाए तो समझने का उसकी तरक्की हो रही है, और वो नहीं बोलते तो मुझे लगता है मैं आंदोलन कर रहा, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं रहा है, तो इनका रिएक्शन ही ये दिखाता है कि ये डर गए उस आंदोलन से और जनता तक इनकी बदनामी जा रही है, ये उनके समझ में आया। इसलिए कुछ मैंने कहा ना पहले कि दिशा भूल करने का काम करे, पानी का मुद्दा मैदान का मुद्दा है, अब उस पर कुछ बोल नहीं सकते तो उस पर बोल रहे। सर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के शीशे के महल निकालना, ये आप लोगों का आपस में चल रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जनता इसमें पीछे जा रही है, मानते हो आप इस बात को? देखिए एक चीज़ समझ के चलिए, मैंने वापस कहा है ये पर्टिकुलर जो विषय दिखाया गया आज उससे 50% काम हुआ ना, MMRDA के अधिकारी भी आपके साथ बैठ के बोलेंगे, उनके पास तो लिखित रूप से दिया गया है। प्रॉब्लम उनका नहीं था, प्रॉब्लम ये था कॉरपोरेशन बोलते हमारे पास फॉरेस्ट की NOC भी नहीं है और इको सेंसिटिव की भी नहीं है। अब कल अगर मेरे को या तो कमिश्नर लिख के दे के साहब मैं अपनी जवाबदारी पे काम करने को तैयार हूँ, मैं अभी आज 10 पॉइंट बोलता हूँ वो लिख के भी नहीं दे रहे, मतलब खुद पे गुनाह लेने को तैयार नहीं हुआ तो किसने कि हमारी ज़मीन नहीं उसके अंदर है, कैसे चलेगा? वो लिख के देवे कि ये मेरे पास परमिशन की कुछ भी होगा तो मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी, कमिश्नर लिख के दे, कोई छोटे मोटे अधिकारी का चलेगा नहीं। एक कल एक और आरोप लगाया कि जो पीछे काम चल रहा है रिसोर्ट का, ना तो नगर पालिका की परमिशन है, ना इको जोन सेंसिटिव की परमिशन है, ना फॉरेस्ट की है, ये पूरा इलीगल बांधकाम चल रहा है। मेरा सवाल पूरा होना चाहिए, ये पूरा बांधकाम चल रहा है और नरेंद्र मेहता नगर पालिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप मेरा ये रेगुलाइज करिए तो मैं आपको पानी और रास्ते के लिए जमीन दूंगा। ऐसा है, पहली बार ना मेरा कोई प्रपोजल कॉरपोरेशन में है, ना ही मुझे वहाँ पर परमिशन चाहिए। एक चाहिए तो मैं कब की मेरी नगर पालिका था मैंने ले लिया होता ना, एक चीज़। तीसरी बात, आज भी कंपनी बिल्डिंग का काम कर रही है तो क्या सब जगह दबा के कर रही है? कॉरपोरेशन परमिशन दे, अभी 4 दिन पहले एक परमिशन दिया तो हमने दिया, तो कॉरपोरेशन जो नियम में है वो देना पड़ेगा, जो नियम में नहीं है वो मैं बोलूँ या कोई भी बोले देने वाला नहीं, हमारा कोई वहाँ पे प्रस्ताव नहीं। तीसरी बात, वहाँ पे कोई बांधकाम चालू नहीं है, ये सेवरन कंपनी इस मीरा भाईंदर की पहली कंपनी है जिन्होंने फॉरेस्ट का पानी गटर और नाले में जाके खाड़ी में जाता था, वहाँ पे आपने देखा होगा कई MLD पानी रुका है जो ज़मीन में जाता है, वहाँ हम कोई टैंकर का धंधा नहीं करते, वो पानी ज़मीन में छोड़ते, जो बह के जाता था उसको रुकाने का काम किसी ने किया तो इसी कॉरपोरेशन ने किया है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो खाली पानी रोका गया है, गटर में नहीं जाए और दूसरा झाड़ और पेड़ पौधे लगे, इसके अलावा वहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए जनता गुमराह ना करे। वापस देखिए, मैंने वापस आपको क्या कहा, मैंने मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ये सही है ये गलत है, मैं व्यक्ति से थोड़ी लड़ रहा हूँ या व्यक्ति से थोड़ी झगड़ा कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी उधारी लेना देना है, जनहित शहर हित में कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर से भी उनके खिलाफ ही आंदोलन में था ना, अब आप इसका मतलब ये थोड़ी सर आपने आंदोलन किया कल जाके आप कमिश्नर को मिले या कमिश्नर आपको मिले, मेरी लड़ाई अपनी जगह पर, वो विषय अलग जगह पर इंडाइट है, उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। मेहता साहब, आपने जो मैदान बचाओ आंदोलन किया था उसके अगले दिन ही MLA प्रताप सरनाइक ने महापालिका में एक पत्र दिया था, जो पत्र के अंदर कुछ 11 मुद्दे उन्होंने कहा है और 7 मुद्दे और बाकी है, वो कहीं ना कहीं वो आपकी ही कंपनी से जो रिलेटेड मुद्दे हैं उस बारे में जानकारी मांगे है, तो उस पत्रों को आप कैसा देखते हैं? क्या ये आपको दबाने का प्रयास है या फिर आपके ऐसा है काले कारण उसे बाहर एक समझ के चलिए, ऐसे मुद्दों से मैं डरता भी नहीं। नंबर वन, अगर उनकी सोच है तो उन्होंने अगर दूसरे पत्र दिया, तीसरे हमने फिर आंदोलन किया, हम कोई भागे नहीं। रात साल उनको लगता है कि जैसे बाकी लोग को डराते धमकाते टपकाते वैसे इस मेहता को करेंगे, तो वैसा होने वाला नहीं है, उनको जो करना है उचित लगे। दूसरा, मैंने कहा कि क्या ये गौरव गार्डन के पास बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन पर होटल बन रही है, क्या उसका जवाब है? क्या वो पेड़ काटे गए आम के झाड़ के एग्जाम्पल, क्या उनको शिक्षा मिली? क्या आपने बोला अननोन आदमी कैसे इतने कैमरा वैमरा, आज तक कोई कुछ नहीं करता है, इधर गाँव में बैनर भी कोई लगाया तो पता चलता है कौन लगा, इधर पेड़ काट के गए बड़े बड़े और बोलते पता नहीं पेड़ के साथ जो लकड़े लेके गए वो क्या उठा के लेके गए, ट्रक लेके गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे है, 54 करोड़ का रोड किसके लिए बन रहा है ये समय आने पर बताएंगे। मेरे पास उजागर नहीं, रास्ते पे आके करूंगा, खाली मैं इतनी चिंता थी तो BJP का सारा ले रही थी बार बार, इसलिए मैं बोला क्या करूं, लेकिन उसने आकल रक्षण लेखा खत्म कर दी, मेरा काम आसान कर दिया, अब जनता के सामने सारी लाने वाला हूं। और तो और, जिस समाज को बिलोंग करती है वो प्रभु जैन समाज में, उनके जैन कुल में उनका जन्म हुआ है और भगवान महावीर को सभी जैन मानते, किसी भी सांप्रदाय को भगवान महावीर भाईंदर वेस्ट में 60 फीट उनके ऊपर हाई मास्क लगाया भगवान महावीर के ऊपर, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार के, तो भगवान महावीर को इन्होंने नहीं छोड़ा है तो बाकी को क्या छोड़ेगी भगवान महावीर? मैंने कहा है कि गीता मेरे बात छोड़िए, गीता जी खुद ही उस कंपनी को अपने नाम से नहीं किसी के नाम से फोन करे कोटेशन मंगा, हमने तो कोटेशन मंगाया और ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, 5,90,000 रुपया उसकी कीमत है जो 13 लाख में उन्होंने लगाया, नगर पालिका से डिटेल ली और मेरे ख्याल से हमारे साबिर शेख साहब से भी उन्होंने भी निकाला, 13 लाख का पोल है जब किसी में 5,90,000 और भगवान महावीर को नहीं छोड़ा, इस बात का मुझे दुख है। मैंने इंसानों को लूटते देखा था, भगवान को लूटने वाला तो पहला विधायक देखा। कि गीता जैन को नैतिकता है क्या आरोप लगाने की? उनकी तो नैतिकता नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो बताओ, आज भी एग्रीमेंट है पूरी की पूरी होटल प्रॉपर्टी उनके पास भी कॉपी हमारे पास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कितनी। अब गीता जैन ने अगर बोला है तो वो भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी फ्री देके दिखाए जैन समाज को, उसका
चलो वो नहीं दे सकते उतना दान कर दे तो भी चलेगा, किसी भी समाज को कर सकती है, इसलिए बोले राजसवाल जो पीछे की जमीन थी, वो पीछे की जमीन जो थी अलग अलग 25-30 लोगों की थी, तो सबको मुझे कहा था मेहता जी इसका भाड़ा आप लेके दीजिए, 10 जन को क्यों परमिशन कैसे लेने का, एक झोपड़ा आधा इनकी जमीन में आधा इनकी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपसे एक एग्रीमेंट करते सारा आप ला के दीजिए और उनकी सारी व्यवस्था, एज ए जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मेरा फर्ज बना, इसलिए वो पूरी 25 एकड़ जमीन वो अलग अलग 25 लोगों की इनडायरेक्टली उन 25 लोगों से सबने हमने ली। अब उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी जो बोरीवली से टनल बन रहा है थाना के लिए, उस कंपनी ने मुझे ही संपर्क किया कि मेहता जी आप ये सबकी ज़मीन से बात कीजिए, इनका सब एग्रीमेंट आप कीजिए, हमारी कंपनी को ज़मीन चाहिए 5 साल के लिए एग्जाम्पल, तो वो ज़मीन का माध्यम में था, बाकी होटल उनके पास भी एग्रीमेंट है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, गीता जी कुछ रजिस्टर से निकाल लेवे उस पर लिखा हुआ होटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया हुआ। सर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो चल रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हल होगा या फिर इसी तरीके से चलते रहेगा? देखिए इसका सॉल्यूशन जनता ही निकालने वाली है, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ आज आपके सामने आने का कि बार बार 7-Eleven पे गलत आरोप, जितनी ज़मीनें अलग अलग काम के लिए 7-Eleven दिए उसकी 10% भी प्रताप सरनाइक ने दी है और उसका 25% भी गीता जी ने नहीं दी है, खाली आरोप लगाने का काम है और जितना काम हुआ है पानी की योजना का उसके अंदर समय समय पर हमने किया है। मैं खाली म्यूनसिपल कमिश्नर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आप लिख के देंगे भाई मेरे पास परमिशन नहीं है, फॉरेस्ट की जो भी आएगी मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी, आज से काम चालू करें, लेकिन परमिशन नहीं लोगे कल हम पे अगर गुनाह दाखिल और हुए ही है, खाली मट्टी खोदा तो गुनाह दाखिल किया, आप तो उधर काम करने जा रहे हो उस कंपनी के ऊपर, खाली मट्टी खोदने का गुनाह दाखिल हुआ है कि इको से आपने मट्टी क्यों खोदा, ये तो ब्रिज बनाने जा रहे पाइपलाइन डालने जा रहे तो कॉरपोरेशन अपना परमिशन दिखाए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे के शीशे के महल निकाले जा रहे हैं, कुल मिला के मीरा भाईंदर की सियासत गर्मा गई है, लेकिन आम जनता जिस तरीके से पीस रही है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के सवाल भी हमने किया था, उसका जवाब भी आपने सुना नरेंद्र मेहता ने क्या। इसी तरीके खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।